नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम एलम्स ऑफ डेली गवर्नमेंट स्कूल और रेडियो द्वारका में। आज मेरे साथ भास्कर दे हैं। भास्कर ने अभी हाल ही में, मैं या कहूँ 2013 में, दिल्ली के सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद ये आज कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, ये पूरा सफ़र जानेंगे भास्कर से ही। भास्कर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भास्कर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा, आप दिल्ली के किस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े? सर, मैं पढ़ा हूँ दिल्ली के गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय मटियाला स्कूल से। मैंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई 10वीं कक्षा तक उसी स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है। अच्छा भास्कर, वहाँ से जैसे आपने 10th में पढ़ाई की, कंप्लीट की वहाँ से, आपने सिर्फ 10th तक पढ़ाई की या उससे आगे भी कुछ किया? मैंने उसके आगे भी पढ़ाई की, मैंने उसके आगे डिप्लोमा किया इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता थी कि मुझे जो है अर्निंग बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरे को दिख रहा था कि मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मुझे यही लगा कि मैं 10th के बाद डिप्लोमा करूँ और अपनी अर्निंग चालू कर सकूँ। तो इसलिए मैंने 10th के बाद कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया दिल्ली लेवल पर और वहाँ पर रैंक लेके मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू डिप्लोमा कंप्लीट किया। अच्छा भास्कर, एक चीज़ बताएं, ऐसा जनरली एक सोच रहती है कि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई होती है ना, वो सो होती है। नहीं देखिए सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, क्योंकि मेरी स्कूलिंग दोनों, मैंने दोनों जगह स्कूलिंग की हुई है। 1st से 5th मैं प्राइवेट स्कूल में था और आफ्टर 6th to 10th मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है। तो ऐसा बोलना गलत रहेगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई कम है या ज़्यादा है, क्योंकि टीचर्स दोनों जगह हैं सर, और टीचर्स किसी एक बच्चे को मतलब स्पून फीडिंग नहीं कर सकते हैं। उनके पास हर जगह नहीं भी तो 50 से 60 स्टूडेंट्स रहते हैं। अब वो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो पूरा डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे भी, कि वो उस चीज़ को कैसे ले पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं कि नहीं। जो मेरे केस में रहा, जो भी मेरे मैक्सिमम टीचर्स थे, भले ही वो गवर्नमेंट स्कूल के हों या प्राइवेट स्कूल के, उनका जो भी ज्ञान वो मुझे देना चाहते थे वो मेरे तक पहुंचा और मैंने वो ज्ञान लिया। उसी के मतलब बदौलत मैं आगे, जो मेरा एंट्रेंस टेस्ट था, वो एंट्रेंस टेस्ट में कुछ अलग से नहीं होता है, जो आप 6th से 10th तक जो आपने पढ़ा है NCERT सिलेबस ओनली, वही आपका उसमें आता है। तो अगर ये सोच अगर रहती कि गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो मैं वो एंट्रेंस टेस्ट कभी क्लियर नहीं कर पाता। अच्छा भास्कर, एक चीज़ बताएं, आपने अभी बोला कि आपको अर्निंग जल्दी करनी थी इसलिए आपने डिप्लोमा किया, तो क्या वजह क्या थी इसके पीछे? देखिए सर, इसमें मैं जो है बहुत, जो मेरे फादर है वो एक ऑटो ड्राइवर है सर, मैंने उनको देखा है कि वो मतलब हम लोगों की परवरिश करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी, तो मैं ये चाहता था कि मैं कितना जल्दी से जल्दी अपने फादर को सपोर्ट कर सकूँ। अब इसके लिए मेरे पास ऑप्शन यही था, क्योंकि अगर मैं ये 10th के बाद 11th और 12th करता तो फिर जो भी मेरा खर्चा है सब मेरे फादर को उठाना पड़ता। इवन आफ्टर उसके जो भी मेरा मतलब ग्रेजुएशन होता 12th के बाद भी, तो वो मेरे पापा के ऊपर थोड़ा ज़्यादा बोझ आ जाता, जो मुझे उस समय लगा कि ठीक नहीं है। जब मैं काबिल हूँ उस चीज़ के तो मैं कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि 10th के बाद मैं डिप्लोमा कर लूँगा, और इसके लिए मेरा एक ही फोकस यही था कि डिप्लोमा करके मुझे अर्निंग जल्दी से जल्दी करनी है बस। अच्छा भास्कर, एक बात बताएं, आप परिवार में और कौन कौन है? सर मेरे परिवार में मेरी माता है, मेरे पिताजी है और मेरी एक छोटी बहन है। बहन भी पढ़ाई कर रही है? हाँ जी, मेरी बहन का मैंने उस पर कभी ऐसा ये नहीं आने दिया कि आपको कुछ नहीं करना। उसने अपना पूरा मतलब पूरी उसने ये अपनी पढ़ाई की है 10th 12th, फिर ग्रेजुएशन, और अभी वो मास्टर्स कर रही है DU से सर। अच्छा भास्कर, एक चीज़ बताएं, आपने जब डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में, तो 2013 में आपने 10th पास की, 2016 में आपने डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा कहाँ से किया था और उसके बाद का सफ़र क्या? देखिए सर, डिप्लोमा के लिए भी जो हमारे दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो बहुत न्यूनतम है, तो उसके लिए फर्स्ट होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उस टेस्ट में अगर आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको रैंक मतलब ये आपको सीट चाहिए, तो आपको अंडर 5000
पूरे दिल्ली में आपको रैंक लाती है। तो मैंने जो वो टेस्ट दिया था उस टेस्ट में मेरी 981 रैंक आई थी, और उस रैंक के बेसिस पे मुझे दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि राजेंद्र प्लेस के पास है और बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर मुझे सिविल इंजीनियरिंग में एक सीट मिली थी। और मतलब उसी वहीं वहीं पर मैंने अपना सिविल इंजीनियरिंग कट मतलब डिप्लोमा कम्प्लीट किया 3 साल का। ये जब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की आपने जिक्र किया, तो इसकी तैयारी कैसे की थी, कुछ कोचिंग ली थी या किस तरह से की थी? एक्चुअली सर मेरे फादर के एक फ्रेंड हैं, प्रवेश उनका नाम है, वो कोचिंग देते हैं, तो उनको भी हमारा फैमिली कंडीशंस के बारे में पता था, तो उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आपको ये बुक से पढ़ना है और आप अगर इनके थ्रू पढ़ोगे तो आपका ये जो है क्लियर हो जाएगा। और आप बोल सकते हैं कि मैंने मतलब उन्हीं के पास से जाके ये, क्योंकि पूरा जो आप बोले कि मेरे माइंड में फीड किया उन्हीं का था कि आप कोचिंग करके इसकी तैयारी कर लो, और उन्होंने उस समय हमारी हेल्प भी करी, मेरे को कोचिंग भी दी उन्होंने ही, और मैं अपना श्रेय उनको दूंगा कि जो मैंने अपना टेस्ट क्लियर कर पाया, तो प्रवेश सर जी ने जिस हिसाब से मेरे को पढ़ाया था मैं उसकी वजह से वो टेस्ट कर पाया। अच्छा भास्कर, जब आपको मैं दोबारा स्कूल के दिनों में ले जा रहा हूँ, स्कूल में जब आप पढ़ाई कर रहे थे, आपकी क्लास में कितने बच्चे थे? सर मैं जब गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ाई चालू की उस समय मेरी क्लास में 70 बच्चे थे सर। अच्छा, उस दौरान आपने, अगर मैं पूछूं कि जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे उनके साथ आपके किस तरह के एक्सपीरियंस रहे? एक्चुअली सर शुरू में जब मैं गया तो एक मतलब सीन थोड़ा चेंज रहता है कि जब एक प्राइवेट स्कूल से एक बच्चा आता है तो जो भी टीचर्स है वो उसको थोड़ा अलग नज़रिए से देखते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल से आया है। तो स्टार्टिंग में ऐसा रहता है कि एक्चुअली मैं जो भी था पहले मतलब एक मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के आया था, तो इंग्लिश में मेरा थोड़ा हाथ बाकी बच्चों से ठीक था, क्योंकि वो सब मतलब ये सारे स्टार्टिंग से गवर्नमेंट स्कूल में थे, तो हमारे जो भी मतलब ये थे इंग्लिश टीचर्स थे और जो भी हमारे मैथ्स टीचर्स थे, तो उनको मेरे से पहले ही एक उम्मीद रहती थी कि ये बच्चा कुछ अच्छा करेगा, और ऐसा हुआ भी। मेरे जो भी ग्रेड्स थे वो सब अच्छे आए, वो लोग और मतलब और भी ज़्यादा इम्प्रेस हुए। मैं मतलब हमेशा क्लास में स्टैंड आउट रहता था कि कोई भी यूनिट टेस्ट हो कुछ भी रहे तो मैक्सिमम चांस रहता था कि टॉप जो भी मैक्सिमम मार्क्स है वो भास्कर के ही आए होंगे। और जो और ये भी था कि मैं क्रॉस कोचिंग की मुझे बहुत अच्छी आदत भी बोल सकते हो, और मतलब बहुत टीचर्स इससे ऑफेंस भी ले लेते थे कि मुझे ये था कि कोई भी चीज़ एक बार में समझ नहीं आती थी, तो 3 बार 4 बार, और लकीली ऐसा था कि जो टीचर्स थे भले ही 70 बच्चे भी थे, जो मैंने देखा मेरे सामने, हमारे क्लास टीचर थे ताराचंद शर्मा बोल के, वो हमारे क्लास टीचर भी थे, और उनको बाकी सब टीचर्स को आधे घंटे का टाइम मिलता था लेकिन उनको 1 घंटे का टाइम मिलता था, और उस 1 घंटे में वो हमें हिंदी भी पढ़ाते थे, और उन्होंने बाकी बच्चों का देखा था कि इंग्लिश वीक है, तो वो हमारे टीचर जो थे वो हिंदी और इंग्लिश हमें दोनों पढ़ाते थे। और वो मैं तो यही प्रे करता हूँ कि जो भी बच्चा है उनको ताराचंद सर जैसा एक टीचर जरूर। बहुत बड़ी बात बोली आपने, अगर ताराचंद शर्मा सर ये बात सुन रहे हो तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है इस बच्चे की तरफ से। अच्छा भास्कर, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई में आप अच्छे भी थे, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आप 11वीं 12वीं भी कर लें और साइड बाई साइड कोचिंग कर लें, बच्चों को पढ़ा लें? एक्चुअली सर 11वीं 12वीं के टाइम में दिक्कत मेरे साथ ये थी, मैं जिस स्कूल में पढ़ा वो आफ्टरनून शिफ्ट था सर, और आफ्टरनून शिफ्ट में अगर मैं किसी को कोचिंग भी करना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, जिन जो कोचिंग लेते हैं प्राइवेट स्कूल में, और वो मेरे केस में पॉसिबल नहीं था। लेकिन जैसा आपने बताया कोचिंग, वो चीज़ मैंने अपने डिप्लोमा टाइम में चालू की, क्योंकि मेरा डिप्लोमा कॉलेज का टाइम रहता था ये 7 से 2, तो उसके बाद मैं आके द्वारका में मतलब सेक्टर 11 में मैं ये होम कोचिंग देता था 6th से 10th के बच्चों तक को, उसमें मैंने 1 साल अपना ये पूरा कोचिंग किया। उस समय मेरी पॉकेट मनी उसी से निकल जाती थी, और मैंने वहाँ से इतना सेव कर लिया था कि मैंने अपना लैपटॉप भी उसी अर्न मनी से, मैंने अपना फर्स्ट लैपटॉप उसी से लिया था सर। बहुत बड़ी बात है भास्कर ये, क्योंकि जनरली बच्चे अपनी कमाई से चीज़ लेते हैं तो कॉन्फिडेंस का लेवल अलग होता है। अच्छा भास्कर, उसके बाद 2016 में जब आपकी ये पूरा हो गया, आगे क्या कहानी? सर 2016 के बाद एक चीज़ मैं बोलूँगा, कंपटीशन। वो मुझे पता लगा जब हमारे कॉलेज में कंपनी प्लेसमेंट के लिए आई, तो उस समय इतनी होड़ थी प्लेसमेंट की, शुरू में हमारे
फर्स्ट कंपनी आई कॉलेज में सर लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन, जिससे आप बोल सकते हैं इंडिया का कंस्ट्रक्शन जाइंट और बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया। अब उनको जो बच्चे चाहिए थे, उनको पूरा छटा हुआ बच्चा चाहिए था कि जो टॉप ऑफ द क्लास हो। तो हमारे कॉलेज में उस समय दो बैच चलते थे, सिविल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, दोनों के मिला के ऑलमोस्ट 150 बच्चे थे। उसमें उन्होंने तीन ग्रुप्स में इंटरव्यू लिए, फर्स्ट हमारा ग्रुप डिस्कशन था, फिर टेक्निकल राउंड था, और फिर पर्सनल लिया था इंटरव्यू। उनमें से 16 बच्चों का वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, जिसमें से एक बच्चा मैं भी था, और वहाँ से मेरी कॉरपोरेट लाइफ चालू। तो अब आप अभी L&T में ही हैं? हाँ जी सर, मैं 2016 से अभी तक L&T में ही हूँ। अभी मैंने 2016 में एज ए डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग ज्वाइन किया था, उसके बाद मैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था, और अभी मेरा जो प्रमोशन होके मैं सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा भास्कर, आपने जैसे डिप्लोमा किया, अब आप जॉब भी कर रहे हैं, कभी ये नहीं सोचा कि मैं आगे भी पढ़ाई कर लूँ? ये बहुत ज़रूरी है, और बाकी भी जो एस्पिरेंट डिप्लोमा कर रहे हैं, मैं उनको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कभी डिप्लोमा करके ना रुके। डिप्लोमा पे आपकी जो भी मैं बोलूँ लाइफ नहीं चल सकती। तो मैंने भी सर ये चीज़ जानी, और 2019 में मैंने बीटेक लेटरल एंट्री में मतलब एडमिशन लिया, और अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। अब 8th सेमेस्टर का मैं कल ही एग्ज़ाम दे के आया हूँ, और ये सेमेस्टर मेरा कंप्लीट होके तो मेरे नाम से एक डिग्री भी आ जाएगी बीटेक की, जो मुझे फर्दर मेरे करियर में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो बीटेक जरूर करें। बहुत बढ़िया भास्कर, इसी तरह का मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन अगर ज़िंदगी में हो तो इंसान को आगे बढ़ने में बहुत उम्मीद और आसानी रहती है। व्यूअर्स, आपने सुना भास्कर की जर्नी। भास्कर ने एक सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है, और मैं ये कहूँगा कि जो भी परिस्थितियाँ थी भास्कर के जीवन में, वो पॉजिटिव नहीं थी। हमेशा एक स्ट्रगल थी, लेकिन भास्कर ने उस स्ट्रगल पर हमेशा अपनी जीत हासिल करी, उस पर आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढे, और आगे बढ़कर आज वो एक सफल जीवन जी रहे हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि वो आगे भी और बहुत ज़्यादा तरक्की करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका।